सो हे वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर, इट्स का प्रोडक्शन एंड आज के वीडियो में दिखाऊंगा वीएन ऐप में स्मूथ स्लो मोशन प्लस फास्ट मोशन और शेक इफेक्ट वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना एंड अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने वीएन ऐप को आपको ओपन करना एंड देन प्लस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना, देन न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपको अपना वीडियो को सेलेक्ट करना है, जिस भी वीडियो को मीन्स आप एडिट करना चाहते हो। तो इस वाले वीडियो को हम सेलेक्ट करते, देन डन के ऊपर क्लिक करते या फिर यू बोलो एरो के ऊपर क्लिक करते। ओके, तो यहाँ पे हमारा वीडियो ऐड हो चुका। नाउ वीडियो को मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ही नॉर्मल वीडियो मीन्स इसमें कोई भी एडिटिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा हो। ओके, नाउ इसमें हम एडिटिंग करेंगे बट उससे पहले आपको यहाँ पे लास्ट में आना है एंड ये जो वाटरमार्क वाला है इसे जस्ट आपको डिलीट कर देना। क्यों हम रखे वाटरमार्क को? ओके, तो वाटरमार्क को हमने हटा दिया। देन उसके बाद यहाँ पे हम स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन करने वाले। सो स्लो मोशन करना हो या फिर फास्ट मोशन करना हो आपको स्पीड वाले बटन के ऊपर टैप करना होगा, देन यहाँ से आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर आपको पूरा वीडियो स्लो में कर देना है, ठीक है, मीन्स पूरा वीडियो को अगर स्लो मोशन करना है देन आप रेगुलर के ऊपर क्लिक करना एंड देन उसके बाद यहाँ से आप इसे कम कर दोगे तो आपका पूरा वीडियो ही स्लो हो जाएगा, बट ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मीन्स पूरा वीडियो ही स्लो हो जाए तो यार क्या ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे वन में सेलेक्ट करता हूँ, इसे छोड़ते हैं, कर्व के ऊपर आपको आना है एंड मेन यहाँ पे स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन हम कर सकते हैं। ओके, तो देखो स्लो करना हो या फिर फास्ट करना हो आपको यहाँ पे ये ना कुछ पॉइंट आप ऐड कर देना। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ, ऐड पॉइंट के ऊपर क्लिक करते, लॉन्ग प्रेस करते, ऐड पॉइंट, लॉन्ग प्रेस, ऐड पॉइंट, लॉन्ग प्रेस, ऐड पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉइंट्स को इंक्रीज कर लेना। अब देखो स्टार्टिंग वाला पार्ट में हम थोड़ा सा दूर तक ना नॉर्मल रहना देना चाहते, तो इतना दूर तक हम नॉर्मल रखते, उसके बाद हम चाहते हैं स्लो मोशन करना। सो स्लो करने के लिए आपको ये पॉइंट को पकड़ना है एंड इसे नीचे लेके आना है। ठीक है, नीचे हम ले आएंगे तो ये स्लो हो जाएगा। अब देखो इस स्लो मोशन को और अच्छा क्रिएट करने के लिए आप इसे भी थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से फिक्स कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको फिक्स करना है एंड इसे आप जितना नीचे लेके जाओगे उतना ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ओके, तो अब देख लेना आपको कितना रिक्वायर्ड है, मैं इतना रखता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन उसके बाद इसे हम कर देते हैं ऊपर। ठीक है, अगर आप ऊपर कर दो तो ये फास्ट मोशन का है, मीन्स नीचे करोगे स्लो मोशन होगा एंड ऊपर करोगे फास्ट मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक पैटर्न बताता हूँ, इस वाले पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको वीडियो में मीन्स स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन काफी अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे से सीढ़ी स्टार्ट हुआ एंड ऊपर तक आ गया। ठीक है, अब ऊपर से नीचे हमें कर देना है, तो इसे थोड़ा सा हम नीचे करेंगे एंड इसे काफी नीचे करेंगे, देन उसके बाद हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसे भी हम थोड़ा सा ऊपर कर दे मीन्स नीचे करेंगे एंड यहाँ पे इसे हम लास्ट वाले को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस टाइप का आप भी यहाँ पे मीन्स फॉर्म कर लेना, काफ़ी अच्छा पैटर्न है, इसे आप फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने वीडियो के हिसाब से जहाँ आपको फास्ट करना होगा वहाँ ऊपर कर देना, जहाँ स्लो करना होगा वहाँ नीचे कर देना। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसे रख रहा हूँ, देन उसके बाद यहाँ करना है आपको डन। ना उसके बाद यहाँ पे आप इसे प्ले करके देख सकते हो एंड देखो यहाँ पे स्लो हुआ, देन उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद इसमें फास्ट भी हो जाएगा, जैसे कि हमने मीन्स ऊपर किया था, तो आप यहाँ पे देख पाओगे फास्ट हो गया, फिर से स्लो हो रहा है, फिर से ये लास्ट में जाके फास्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे स्लो मोशन या फिर फास्ट मोशन कर सकते हो। नाउ अब बात रही शेक इफेक्ट एंड फ्लैश इफेक्ट की, तो इसे हम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो देखो इसे ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आप ये प्लेसेस फाइंड कर लो कि मीन्स कहाँ पे आप शेक इफेक्ट या फिर फ्लैश इफेक्ट ऐड करना चाहते हो। तो देखो जहां से मीन्स आपका स्लो मोशन स्टार्ट हो रहा है या फिर जहां से आपका फास्ट मोशन स्टार्ट हो रहा है, अगर आप वहां पे ऐड कर दो ना तो काफी अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारा नॉर्मल है, देन उसके बाद यहाँ से हमारा जो वो मीन्स स्लो मोशन होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ से स्लो मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम टैप करेंगे, देन इसे कर देंगे स्प्लिट। ठीक है, वीडियो को हमें करना है स्प्लिट, फिर से हमें थोड़ा सा मूव कर जाना है एंड यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ से हमारे फिर मीन्स मोशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हो इसमें ये फास्ट मोशन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको कर देंगे स्प्लिट। ओके, इसी तरीके से करके आप देख लेना कहाँ कहाँ पे मीन्स आपका स्लो हो रहा है एंड फास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा स्लो हो रहा है, तो इसे कट कर देंगे। ठीक है, देन फिर से इसे हम छोड़ देंगे, लास्ट वाला पार्ट है तो उसे छोड़ देते हैं। नाउ इस तरीके से करके आपको यहाँ पे सबसे पहले कट लगा लेना जहाँ पे भी आप मीन्स शेक इफेक्ट या फिर फ्लैश इफेक्ट ऐड करना चाहते हो। ओके, okay?
सो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लैश इफेक्ट स्टार्टिंग में ऐड करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग में ऐड करना है या फिर कहीं पे भी फ्लैश इफेक्ट आपको ऐड करना है तो सिंपली से आपको एफएक्स के ऊपर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे आप देख पाओगे एक ब्लैक वाला फ्लैश इफेक्ट है एंड यहाँ पे एक व्हाइट वाला, तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे ब्लैक वाले को सिलेक्ट करता हूँ एंड इसका ड्यूरेशन थोड़ा कम कर देते, कुछ ज्यादा ही टाइम तक मीन्स फ्लैश इफेक्ट आ रहा था, ठीक है, तो इसे हम कम कर दिए। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ट्रांजिशन वाले बटन देखने को मिल रहे हैं इसके ऊपर आपको टैप करना। देन उसके बाद यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, जूम इन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसे जस्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड इसे अप्लाई टू ऑल कर देना है, जिससे कि हो गई कि मीन्स सभी में ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, आपको बार बार सभी में ऐड नहीं करना होगा। ओके, देन यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में आना है एंड ये जो आपको ट्रांजिशन का बटन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे जस्ट आपको हॉरिजॉन्टल को सेलेक्ट करना है, तो आपका इंट्रो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देख सकते हो कुछ इस टाइप का मीन्स हमारा इंट्रो हो जाता है जो कि काफ़ी बेहतर लगता है। ओके, तो स्टार्टिंग में हमने फ्लैश इफेक्ट ऐड कर लिया है, देन उसके बाद इधर हम शेक इफेक्ट ऐड करने वाले। सो देखो शेक इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको वीडियो के ऊपर टैप करना है, देन एफएक्स के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। ओके, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद जीटर डाउन का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल होगा, सो इसे आपको सेलेक्ट करना है एंड ये जो इफेक्ट है उसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में लेके आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ये हमारे वीडियो का स्टार्टिंग है, यहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे देन डन करेंगे ना। उसके बाद यहाँ पे देख पाओगे इसमें जो है हमारा शेक इफेक्ट काफी कमाल का बन चुका है, ठीक है, आप देख सकते हो इस टाइप का ये शेक इफेक्ट बन गया जो कि काफी कमाल का लग रहा है ना। उसके बाद इधर आपको नेक्स्ट वाले मीन्स क्लिप में आना होगा, तो ये हमारा नेक्स्ट क्लिप है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे देन एफएक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, सेम आप जीटर डाउन को ही सेलेक्ट कर लेना, काफी अच्छा शेक इफेक्ट है ये, ठीक है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद इसे पूरे वीडियो के स्टार्टिंग में लेके आ जाएंगे। तो इस यहाँ पे हम लेके आ गए देन डन करते ना। उसके बाद आप देख पाओगे इसमें भी मीन्स हमारा जो शेक इफेक्ट है वो अप्लाई हो गया। मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ एंड देख सकते हो काफी सही तरीके से शेक इफेक्ट अप्लाई हो गया। देन लास्ट ये बचा हुआ है, सो इसके ऊपर हम टैप करते एफएक्स के ऊपर टैप करते एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे फ्लैश भी डाल सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहो तो शेक इफेक्ट भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो डालना है डाल लेना। मैं यहाँ पे शेक इफेक्ट डालता हूँ देन उसके बाद इसे भी वीडियो का स्टार्टिंग में लेके आ जाते हैं। ओके, देन डन कर दे एंड नाउ यहाँ पे हमारा देख सकते हो दो स्टेप हमने कर लिए। अगर हम इसमें कलर ग्रेडिंग कर दे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो वो भी मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, बट उससे पहले हम इसका प्रीव्यू देखते हैं कि मीन्स किस टाइप का हमारे वीडियो बन रहा है। सो यहाँ पे देख सकते हो काफी सही तरीके से स्लो मोशन भी हो गया, देन इसमें शेक इफेक्ट भी है, तो काफी अच्छा लग रहा है ना। इसमें कलर ग्रेडिंग हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। अब कलर ग्रेडिंग करने के लिए आपको वीडियो के ऊपर टैप करना है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल भी नहीं करना है, आपको फिल्टर के ऊपर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे काफी सारे आपको फिल्टर देखने को मिल लेंगे, ठीक है, तो इनमें आपको जो फिल्टर अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक मेरा फिल्टर है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे आपको एडजस्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको एक HSL टूल मिलता है जिससे कि आप एक एक कलर को मीन्स कलर ग्रेड कर सकते हो। तो देखो ब्लू कलर जो है ना मीन्स उतना सही नहीं लग रहा है, सो हम क्या करेंगे ब्लू कलर के ऊपर टैप करेंगे एंड इसे थोड़ा कम करेंगे और सेचुरेशन इंक्रीज कर देंगे, देन यहाँ से लाइटनेस को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। देन सिमिलरली यहाँ पर भी हम ये सेम काम करने वाले हैं, सो इसे मैं इतना रख लेता हूँ। ओके, देन देख सकते हो ब्लू कलर हमारा सही हो गया। अब देखो बैकग्राउंड में थोड़ा येलो येलो है हमारा घास है सब, तो घास येलो थोड़ी रहता है, तो हम ग्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसे ग्रीन में कन्वर्ट करेंगे। ग्रीन का हम पूरा इंटेंसिटी को 100 कर दिए और सेचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए। सिमिलरली यहाँ पर येलो पे आना एंड इसे भी ग्रीन में कन्वर्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा जो वीडियो है वो मीन्स परफेक्टली कलर ग्रेड भी हो चुका। ये कलर ग्रेड होने के बाद एंड ये पहले का वीडियो काफ़ी डिफरेंस है एंड काफ़ी सही लग रहा है। ओके, सो अब क्या करना, इसके ऊपर क्लिक करना फिल्टर के ऊपर एंड इसे अप्लाई टू ऑल कर दोगे तो ये सारा वीडियो में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक एक करके मीन्स सभी में कलर ग्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जस्ट यहाँ से आप इसे अप्लाई टू ऑल कर देना एंड आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा वीडियो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप ये वीडियो एडिट कर सकते हो ना। वीडियो एडिट हो जाए देन उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है एंड इसे कर लेना है एक्सपोर्ट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।